छाछी खाते हो ना। अरे जिस देश में 135 करोड़ आदमी के खाने के लिए अनाज हो सकता है, उस देश में 3.25 करोड़ गाय माता के लिए चारा नहीं होगा। आसमान आपके आसमान से नहीं, इस धरती पे लगता है। जब हम गेहूं बोते हैं, 3 इंच लंबी गेहूं की बाली पकने से पहले 2.5 फीट लंबा डंडा चारा तोड़ा तैयार होता गाय माता के लिए। जब हम मक्का बोते हैं, 9 इंच लंबा मक्के का भुट्टा पकने से पहले 6.5 फीट लंबा डंडा चारा कड़प तैयार होता गाय माता के लिए। जब हम बाजरा बोते हैं, 1 फीट लंबा बाजरे का सिक्का पकने से पहले 7.5 फीट लंबी डंडी चारा कड़प तैयार होता गाय माता के लिए। जब हम मूंगफली बोते हैं, 1 मुट्ठी मूंगफली के दाने जमीन में पकने से पहले ऊपर 2.5 किलो फूस चारा तोड़ा तैयार होता गाय माता के लिए। अरे हमारा गेहूं अनाज बाजरा मक्का मूंगफली पके या नहीं पके, मगर मेरी गाय माता के लिए सबसे पहले चारा लगे। परमात्मा को पता है कि मनुष्य का पेट छोटा और गाय माता का मोटा, तो हमारे लिए अनाज थोड़ा दिया और गाय माता के लिए चारा ज्यादा दिया। अरे बात तो सच्ची यह है कि आज हम लोग जो जिंदा हैं, ये 2 टाइम की जो प्रेम से रोटी खा रहे हैं ना, ये भी गाय माता की भाग्य की खा रहे मेरे प्यारे सपनों। जब से हम लोगों ने होशियारी करके इन गाय माता के फांसी लगाई है ना, उस दिन से हम लोगों की भी फांसी लग गई है। अरे पहले कितनी बरसात हुआ करती थी, 5-5 महीने की बरसात होती थी, 4 महीने की बरसात 1 महीने का मावठा होता जिसमें सरसों जो की बोई करते। अब की बार कितनी बरसात हो रही, या तो हो ही नहीं रही, और हो रही तो इतनी सारी होती है कि फसलों को चौपट कर रहे हैं, कभी ओले गिर रहे हैं, कभी भूकंप आ रहा, कभी बाढ़ आ रहा। ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही है? जब गौ माता कर्ण चित्कार से, जब गौ माता दुखी होकर चित्कार करती है तो वायुमंडल पूरा प्रभावित होता है, जिससे प्रकृति की व्यवस्था विचलित हो जाती है, जिससे हमें कष्ट भोगना पड़ता है। मेरे प्यारे सजनों, ये सब कुछ हो रहा है, ये गाय माता से हो रहा है। हम लोग गाय माता से दूरियां बनाकर हम लोग कभी सुखी नहीं हो पाएंगे मेरे प्यारे सजनों। चाहे बरसात करानी हो, चाहे भगवान को निराकार से निराकार रूप लेकर इस धरती पे लाना हो, हमारे जीवन में सुख शांति आनंद की स्थापना करनी हो, हमारे परिवार में प्रेम की स्थापना करनी हो, हमारे जीवन में श्रम को वापस लानी हो, हर प्रकार से हमारी गाय माता ही हमारा साथ देने वाली है। गाय माता कोई 84 लाख योनियों का जीव नहीं है, वो सीधी गोलोक से आती है और अपनी लीला पूर्ण करके वापस चली जाती है। मेरे प्यारे सजनों, परमात्मा ने हम लोगों पे अनंत महती कृपा करके इस गाय माता को निराकार से निराकार रूप लेकर इस धरती पर अवतार लेकर भेजा है, सिर्फ हम मनुष्य का कल्याण करने के लिए, हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए, हमें भव सागर से पार करने के लिए, हमारे समस्त दुखों का नाश करने के लिए ये जगदम्बा ये गौ माता इस धरती पर अवतार लेकर आई है। हमने पूरे जीवन भर इस गाय माता को इन 2 साधारण चमड़े की आंखों से देखा, इसलिए हमें 4 पैर 4 थन 2 सींग और 1 पूंछ वाला एक पालतू जानवर दिखाई दिया। अगर खासकर हम हमारे हृदय की आंखें खोलकर इस जगदम्बा गौ माता को देखते हैं तो इनके दिव्य स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं और हमारे जन्म जन्मांतर के दुख सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। मेरे प्यारे सजनों, गाय माता कोई साधारण नहीं है। अरे जिन देवताओं को